मैं शिखा श्रीवास्तव, मेरे चैनल टिप्स थिएटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ, तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को। दोस्तों, आज मैं आपके साथ होममेड फर्टिलाइजर का वीडियो शेयर कर रही हूँ। आप घर पर लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बना सकते हैं, वो भी बनाना पील से। तो दोस्तों, केला आपको खा लेना है और केले के छिलके से आज हम बनाने वाले हैं बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो कि आपके पौधों की ग्रोथ को बहुत ही फास्ट करेगा। दोस्तों, आप इस फर्टिलाइज़र को किसी भी पौधों में डाल सकते हैं, चाहे फल का पौधा हो, चाहे फूल का पौधा हो, आप किसी भी पौधे में डालें, पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। बिल्कुल नेचुरल तरीके से हम इसे बनाने वाले हैं, आपको बाज़ार से फर्टिलाइज़र खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले केले को छोटे टुकड़ों में काट लेना है। आप चाहें तो केले के लंबे लंबे इन छिलकों को भी बॉटल में डालकर इसका फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, परंतु यदि छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर यदि आप इसे पानी में भिगा कर रखेंगे तो इसका जो एक्सट्रैक्ट है वो पानी में थोड़ा सा ज़्यादा आएगा और हमारा बनाना पिल लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत ही इफ़ेक्टिव बनेगा। तो बस इस तरह से कैंची की मदद से मैंने दो केले लिए हैं। दोस्तों, दोनों केले के छिलके इस तरह से काट लिया है और ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनेगा दोस्तों, इसे आप बनाकर रख लें और जब भी आपको पौधों में डालना है तो 1 लीटर पानी में आप इसे डालेंगे 2 बड़े चम्मच। 1 लीटर पानी लें, 2 बड़े चम्मच इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को मिक्स करें और फिर पौधों में डालें। तो चलिए देखते हैं इसे बनाना कैसे है। यहाँ पर मैंने बॉटल में पानी लिया है दोस्तों, 1 लीटर यहाँ पर पानी लिया है और बस इसमें केले के जो छिलके हैं दोस्तों, बारीक टुकड़ों में काट दिया है मैंने और इसमें डालकर आपको 2 से 3 दिन तक तो इसे रखना है। 3 दिन रखेंगे तब तो बहुत ही अच्छा है, परंतु अभी थोड़ी सी गर्मी सी है तो आप 2 दिन भी रखेंगे तो भी इन केले के छिलकों का जो एक्सट्रैक्ट है, जो गुण है, वो उसमें आ जाएंगे। वैसे भी केला जो होता है बनाना पिल लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम और फॉस्फोरस होता है। तो बस मैंने इसे बॉटल का ढक्कन लगा दिया है। बीच बीच में इसे ज़रूर आप शेक करते रहें, ऐसा नहीं कि आप बना के 2 दिन 3 दिन इसे ऐसे ही छोड़ दें। कोशिश करें कि थोड़ी देर इसका ढक्कन भी खोल दें ताकि इसमें एयर जाती रहे, थोड़ा हवा जाना भी ज़रूरी। आप इसे एकदम पैक करके ना रखें। ये देखें, मैं जिस तरह से हिला रही हूँ, आपको भी इसे दिन में 2-3 बार इसे इस तरह से हिलाना है और थोड़ी देर इसके ढक्कन को भी खोल दें। तो बहुत ही बढ़िया ये हमारा बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार होता है दोस्तों। अब आप देख सकते हैं इसका रंग बिल्कुल बदल गया है। आज 3रा दिन है। आज मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपको पौधों में डालना है। किसी भी पौधे में डालें दोस्तों, ऐसा नहीं कि कुछ रूल है कि अरे इसी पौधे में डालना है, या फिर जब आप कोई बीज लगाते हैं ना दोस्तों, सीडलिंग करते हैं, कोई भी बीज लगाते हैं, तो उस बीज के लगाने वाले ट्रे में, उस ग्लास में भी आप इस बनाना लिक्विड फर्टिलाइज़र को डाल सकते हैं। छन्नी से छान लिया है ताकि केले के बड़े बड़े टुकड़े अलग हो जाएं और ये हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर बिल्कुल तैयार है। किसी भी इसे बॉटल में अब आपको भर लेना है। तो ये देखिए, इस बॉटल में मैं डाल रही हूँ और जब भी पौधों में डालना है थोड़ा सा इसे हम डाइल्यूट कर ही लेंगे दोस्तों। सादा पानी मिक्स करें और फिर ये लिक्विड फर्टिलाइज़र उसमें मिक्स करें। तो बस इसे पैक कर हम, ये देखिए ढक्कन लगा दिया है। अब मैं आपको इसे पौधों में डालकर दिखा रही हूँ। आपको दोस्तों इस बनाना लिक्विड पील फर्टिलाइज़र को पूरे पौधों में स्प्रे नहीं करना कि आप सोचें अरे हम फलों में डालें, इसकी पत्तियों में डालें, बिल्कुल नहीं। यदि आप पूरे पौधों में इसे स्प्रे की बॉटल से डालेंगे तो बहुत ज़्यादा मक्खी और मच्छर का डर रहेगा। आपको इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को सिर्फ पौधों की जड़ों में डालना है, मतलब मिट्टी में डालना है, ताकि इसका जो भी असर है दोस्तों, इसमें जो भी पोटेशियम है, फास्फोरस है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सीधे पौधों की जड़ तक पहुंच सकें। ये मेरे हरी मिर्च का पौधा है दोस्तों, आप देख सकते हैं 25 से 30 इसमें हरी मिर्च लगी हुई है। तो इस तरह से आपको पौधों में डालना है। आपको मैं इस तरह से डालकर दिखा रही हूँ। ये देखिए, मिट्टी में मैंने डाला है दोस्तों और हल्की सी से गुड़ाई कर दें ताकि इसका, इसके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, डायरेक्ट पौधों की जड़ तक पहुंच सके, तुरंत ही पौधों को इसका फ़ायदा मिलता है। ये अदरक का पेड़ है दोस्तों, मैंने इसका भी वीडियो आपके साथ शेयर किया है, अदरक की गठानों से इसे लगाना बताया है। ये मेरे बादाम का पेड़ है दोस्तों, इसका वीडियो भी मैंने शेयर किया है। तो सभी पौधों में आप डाल सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इस पौधे में डालेंगे और जो नए बीज लगाते हैं उसमें डालें। ये करी लीव्स का मेरा प्लांट है दोस्तों, आप देख सकते हैं, मीठे नीम का, इसमें भी मैं ये डालूंगी।
बहुत ही जल्दी पौधों में इसका बहुत अच्छा स्प्रे मतलब असर आता है दोस्तों। बस आप इसे पूरे पौधों को इसमें स्प्रे ना करें, नहीं तो बहुत ज़्यादा आसपास मक्खी हो जाएगी, मच्छर हो जाएंगे। जैसे कि मैं आपको डालकर दिखा रही हूँ, मिट्टी में डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं। ये देखिए मैंने थोड़ी सी टेरिस पर छोटी सी बगिया तैयार की है, लौकी, करेले, बहुत सारी सब्जियां लगाई, टिंडे, सेम की बेल, सभी में मैं इसे डाल रही हूँ। सभी को आपको मिट्टी में डालना है। तो ये हमारा होममेड बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइजर बनकर बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थिएटर को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।